What's up guys, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड आज गाइस यार हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े और मस्त गेम के साथ। इस गेम का नाम है सिटी शॉप सिम्युलेटर। एंड हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे गेम खेले हैं, बट ये गेम थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इसीलिए भाई इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड मज़ा आने वाला है, बट ये अभी अपने को ट्यूटोरियल भाई बता रहा है यार ये गेम। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद एक्चुअल गेम में चलते हैं। चलो ठीक है, ये अपनी शॉप है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड हर गेम में रुको जाओ भाई, चलो ठीक है अपने को ख़रीदना सिखाया जा रहा है। एंड वैसा ही भाई जैसे हर गेम में होता है ना, लेकिन ये गेम भाई नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। चलो ठीक है, अब भी यहाँ पे अपना सामान आ चुका है, यहाँ से उठाते हैं हम लोग डब्बा एंड अपने शॉप में चलते हैं और देखते हैं। और ये गेम भाई अपने रिटेल स्टोर सिमुलेटर को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं, ये अपने को लास्ट में देखना है, तो वो बात की बात होगी। एंड रुक जाओ, ठीक है यहाँ पे सामान रख दिया। एंड डिब्बा कहाँ फेंके, अच्छा ठीक है कूड़ेदान में फेंकना। भाई बहुत ज़्यादा दिनों से इस तरह की गेम नहीं खेली, इसलिए थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले अपने को प्राइसिंग सेट करनी है, आ जाओ प्राइस सेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे अपने को रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है ये अच्छी बात है। चलो ठीक है, मस्त तरीके से प्राइस सेट कर दिया। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लूट रहे हैं भाई हम लोग, ये हुई ना बात। चलो ठीक है अभी ओपन करते हैं एंड देखते हैं भाई यार कितने बंदे आने वाले हैं। चलो ठीक है, एंड इस गेम की खास बात यह है कि इसमें भाई अपने को एक और घर देखने के लिए मिलने वाला है। इस टाइप के जितने भी गेम है ना, उसमें केवल अपने को दुकान देखने के लिए मिलती है, हम लोग दुकान चलाते हैं एंड सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इस गेम में अपने को एक घर देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसलिए भाई हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं। तो रुक जाओ, सबसे पहले यहाँ दुकान में देखते हैं भाई। चलो ठीक है, एक ग्राहक आ चुका है, आ जाओ बिलिंग वगैरह कर देते हैं एंड देखते हैं भाई यार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है भाई ये गेम, तो ये अच्छी बात है। अब इस बंदे को पैसे लौटाने हैं भाई, रुको जाओ आ जाओ, इसको दिया 24 सेंट्स। चल बेटे जाओ, बाय बाय टाटा धन्यवाद। चलो ठीक है, एंड देखते हैं अभी अपने को इंतज़ार करना है, क्योंकि ग्राहक भाई जब तक अपना पहला पूरा सामान नहीं बिकेगा ना, तब तक भाई अपने पास पैसे होंगे नहीं। एंड इस गेम में भाई अपने को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अपने को घर भी मेनटेन करना है एंड साथ ही साथ में अपनी शॉप को भी मेनटेन करना है। चलो ठीक है, इसका बिल हो चुका 11.5, लगभग $12 के आसपास, तो ये अच्छी बात है। एंड हम लोग प्रॉफिट भाई बहुत ज़्यादा लूटे, ये बात तो है, वैसे हम लोग नहीं कर रहे थे, वो गेम ही अपने को रिकमेंड कर रहा था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड चलो ठीक है, एंड बंदों को सामान नहीं मिल रहा ये यहाँ पे अपने को दिखाया जा रहा है। ठीक है, अभी और भी सामान हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं, बट अपने पास अभी पैसे ज़्यादा हैं नहीं, तो इसलिए हम लोग चलो ठीक है अभी अपने को क्लोज़ करने के लिए कहा जा रहा है। एंड चलो अच्छा गाइस सर, यहाँ से हम लोग सामान खरीद सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का गेम है भाई। चलो ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने बुक कर दिया एंड कर दिया ओके। चलो मस्त तरीके से डिलीवरी हो चुकी है, सारी की सारी चीज़ अपने को बताई जा रही है। एंड चलो फाइनली ट्यूटोरियल बेटा ख़त्म कर दे जल्दी से। एंड अच्छा ठीक है, एड वगैरह देख के भी पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर, तो चलो दोस्त यार कोई दिक्कत नहीं है, शॉप यहाँ से ओपन हो जाएगी। एंड रुको जाओ आ जाओ, सबसे पहले शॉप बंद कर देते हैं भाई, नहीं इस गेम में भाई बहुत ज़्यादा चूना लग जाता है, हम लोग प्राइस सेट नहीं करते हैं एंड शॉप ओपन रहती है और सामान रख देते हैं, तो भाई बंदे फ्री में लूट ले जाते हैं, तो अपने को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ये भाई मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है सुसु, बहुत तगड़े में हम लोग कमाई किए हैं भाई, रिटेल स्टोर सिमुलेटर जिन लोगों ने देखी है ना उसमें भाई मज़ा आया था। बट ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए सारे के सारे सामान प्रोडक्ट को हम लोग लगा देते हैं एंड उसके बाद भाई तगड़ी वाले कमाई करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे भाई अपने घर में, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है इस गेम की, इसमें अपने को घर देखने के लिए मिलता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, इसको भी रख दिया, आ जाओ भाई इसको कूड़ेदान में फेंको। एंड ऑटोमेटिक दरवाज़ा है ये तो बताना भूल ही गए भाई, ये तगड़ा है। चलो ठीक है, इसको उठाया, रुक जा भाई क्लोज़ कर देते हैं, बार बार ओपन हो जा रहा है, तो ये अपने को ध्यान देना होगा। अगर रिज्यूम डे करेंगे ना तो भाई शॉप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, चाहे हम लोग रिज्यूम डे कर दें या फिर वहाँ से जाके भी ओपन कर सकते हैं, तो दो दो सिस्टम है यहाँ पे, तो ये अपने को यहाँ पे पता चला है। तो ठीक है आ जाओ, ये ब्रेड है भाई, तगड़े से ब्रेड भाई बहुत तगड़े में बिकता है, हम लोगों ने रिटेल स्टोर सिमुलेटर में ब्रेड बहुत तगड़े से बेचा है भाई, एंड अपने को आइडिया है इसलिए। चलो ठीक है, अभी ये लास्ट वाला है। एंड ये है भाई तगड़ा सा सीरियल, काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होता है ये, लेकिन देखते हैं इस गेम में क्या हालचाल इसके चलेंगे। चलो ठीक है, अभी शॉप भाई ओपन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन प्राइस सेट कर देते हैं, क्योंकि प्राइस बिना सेट किए हुए ना दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एंड जितना अपने को रिकमेंड किया जा रहा है प्राइस ना, उतना एग्जैक्ट हम लोग रखने वाले हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को इस गेम का सिस्टम समझना है एंड उसके बाद जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो भाई अपने मन का ही प्राइस रखेंगे, सस्ते में भी बेचेंगे महंगे में भी बेचेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए अपने को जितना रिकमेंड किया जा रहा है ना, उतना ही काम अपने को करना है। चलो ठीक है, इसका भी कर देते हैं मस्त तरीके से,
3.02। चलो शानदार भाई, लगभग $2-2, $3-3 सभी में हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात है। एंड रुक जाओ, ठीक है, ये भी हो चुका मस्त तरीके से। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा भाई ब्रेड, बचा है ब्रेड 0.87 का है। एंड रुक जाओ, ठीक है, इसमें लगभग $1 का हम लोगों ने मुनाफा किया। चलो ये भी कर देते हैं सेट। एंड वीडियो को यार लाइक से सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। एंड पीसी वाले गेम में एक बहुत ही ज़्यादा घातक वीडियो आने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की वीडियो आएगी, काफ़ी मेहनत कराई। एंड ये है भाई अपना स्टोरेज वाला एरिया, ये है, इस पे भाई अभी अपने पास पैसे ही नहीं है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ वगैरह रख सकते थे, उसको बाद में देखा जाएगा। एंड चलो भाई शॉप ओपन है यार, शॉप ओपन कर दी हम लोगों ने। एंड आज इधर देख के चलते हैं, शायद चेस गेम में अनलॉक हो ये वाली लोकेशन तो अच्छी बात होगी। एंड नहीं भाई, उधर से चले ऑटोमेटिक इधर आ गए, ये भाई अलग लेवल के नाटक हैं। एंड ये गाइस यार एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग अपने दुकान को बेच सकते हैं, जैसे कि देखोगे ये देखो प्राइस बता देता है ये मशीन, एंड अगर उसी पे क्लिक कर देंगे ना ये इधर, तो भाई अपना सामान बिक जाएगा, मतलब पूरा वही सामान ऑटोमेटिक बिक जाएगा। जैसे कि ओ तेरी, अब भाई बेचना नहीं था भाई, पूरा सामान सहित भाई अपना सेल्फ बिक गया। नहीं यार, बताने के चक्कर में भाई चूना लग गया, $176 का बेचा, महंगा था भाई। रुक जाओ बिलिंग वगैरह करते हैं। एंड भाई यार बताने के चक्कर में हम लोगों ने बहुत बड़ा वाला चूना लगा दिया। एंड अब अपने को एक नया शेल्फ ख़रीदना पड़ेगा, एंड मेरे को लग नहीं रहा सस्ता सेल्फ मिलेगा। रुक जाओ यहाँ पे बिल काट देते हैं। चलो ठीक है, ज़्यादा हो गया भाई, रुक जाओ। चलो ठीक है, बहुत शानदार भाई यार, नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया अपने को। ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, वापस तो ला नहीं सकते, एक बार बेच दिया सामान तो बेच दिया भाई, दोबारा नहीं आ सकता। एंड रुक जाओ, अभी चलते हैं हम लोग अपने अपार्टमेंट में, घर में, यहाँ से हम लोग एक अपनी शॉप भी बड़ी कर सकते हैं, तो अभी अपने पास पैसे आने इसलिए नहीं कर सकते हैं। एंड ये रहा तीसरा ऑप्शन जिससे हम लोग चलते हैं घर में। ऑल राइट दोस्तों यार, स्वागत है आप सभी का घर में भाई, अपार्टमेंट में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। एंड यही इस गेम का सबसे घातक वाला अपडेट था, एंड इसलिए मैंने सोचा भाई इस गेम को खेलना चाहिए। एंड अभी छोटा घर है, इसको अपग्रेड कर लेंगे। ये रहा दूसरा रूम, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड यहाँ पे रुक जाओ, एक अपने को बाथरूम भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे गाइस यार हम लोग इसको पूरा डेकोरेट कर सकते हैं, सामान वगैरह मंगा सकते हैं, देख रहे हो फ्रिज टेबल कुर्सी अलमारी सब कुछ, लेकिन भाई बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ लगाते हैं, लाइट मंगाते हैं। चलो ये लाइट हम लोगों ने ले आया। एंड इसको अगर अपने को लगानी ना, रुक जाओ ये देखो मस्त तरीके से, एंड लग गया लाइट, एक लाइट लग गया, $80 ख़त्म। एंड अब नहीं लगाने वाला हूँ भाई। तो ये है भाई इस गेम की सबसे ज़्यादा खास बात, एंड जितने ज़्यादा हम लोग अमीर होंगे ना उतना ज़्यादा बड़ा घर होगा एंड शॉप होगी। तो अपना टारगेट इस गेम में ये है कि अपने को बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से पैसे कमाने हैं। एंड देखो इस मशीन का यूज़ भाई यार, देख रहा ख़रीदे कितने में थे, बिक कितने में रहा, 56 में बिक रहा, 80 में ख़रीदे थे हम लोग, तो देख रहा नुकसान नहीं करवाने वाले भाई, हम लोग नहीं बेचेंगे इसको, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। चलो बेच भाई, अपने को ख़रीदने में महंगा मिलता है लेकिन जब हम लोग बेचते हैं ना अपना नुकसान हो जाता है। चलो अभी फ़िलहाल के लिए शॉप में चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों यार, शॉप में हम लोग आ चुके हैं अपने शिटी शॉप में। एंड भाई दुकान ओपन है बट एक ग्राहक नहीं दिख रहा है अपने को यहाँ पे। चलो कोई टेंशन वाली बात है नहीं भाई यार, एक सेल्फ पूरा का पूरा हम लोगों ने बेच दिया भाई $175-76 में। एंड यहाँ से अच्छा ठीक है, लाइसेंस वगैरह अपने को ख़रीदना पड़ेगा, $300, $600, $500 ऐसे करके, बड़ा भी इसमें भिखारी हैं, अपग्रेड कर सकते हैं शॉप को यहाँ से। चलो शानदार चीज़ है। एंड यहाँ से भाई हायर वगैरह कर सकते हैं स्टाफ, तो भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इस गेम में, इसलिए ये गेम मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा। एंड रुक जाओ भाई, आ चुका भाई ग्राहक, रुक जाओ इसका भाई बिलिंग करते हैं, क्योंकि शॉप चलाना भाई आसान काम है नहीं। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग गरीब हैं इसलिए ये स्टाफ मैंने अभी नहीं रखा है, तो भाई कैशियर वैशियर तो अभी हम लोग रखने वाले हैं, हायर करने वाले हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, टाइम देना पड़ेगा भाई, क्योंकि रुक जाओ शेल्फ भाई $200 मंगा लिया जाए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, सामान ज़्यादा रख ही नहीं पा रहे हम लोग शॉप में। चलो ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट से भाई डिलीवरी नहीं होती इस गेम में, डायरेक्ट से आ जाता है, तो ये भाई ठीक ठाक वाली बात है। रुक जाओ भाई साहब, दोबारा से करते हैं, एंड इसको यहाँ पे सेट करते हैं, आराम से एकदम चिपका के रखते हैं भाई, ताकि अपने को छोटी शॉप में ज़्यादा फ़ायदा मिले। अरे भाई ये देखो, चलो ठीक है, हो चुका
पैसे भाई ख़त्म हो गए यार पूरे यार भाई। चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। $200 का भाई अपने को एक शेल्फ़ मिला, एंड हम लोगों ने शुरुआत में बेच दिया था $175 में पूरा का पूरा शेल्फ़ और साथ ही साथ सामान, तो भाई यार अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। चलो ठीक है, इनकी बिलिंग वगैरह कर देते हैं एंड थोड़ा सा गरीब से अमीर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नुकसान तो ज़्यादा हो गया भाई एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, लेकिन ठीक है। चलो ठीक है, भाई को लौटा देते हैं। देख रहा भाई यार, $4 का सामान खरीद रहा है एंड $100 की नोट दे रहा है, अलग लेवल का नाटक है भाई इसके, यही होता है भाई। एंड ऐसा कौन कौन बंदा करता है, जिसके पास छुट्टे नहीं होते ना वो यही कलाकारी करता है। एंड आप लोगों में से किन किन बंदों ने ये हरकत की है, मैंने भी की है भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दुकान वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जानकार होते हैं भाई, वो लोग जानते रहते हैं कि इसे छुट्टा चाहिए। चलो ठीक है, ये भी वही हरकत। चलो भाई साहब शानदार तरीके से आ जाओ, पूरा का पूरा सामान अगर बिक जाए तो अपने पास हो जाएंगे $200-$300 तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से, जो कि अपने लिए पर्याप्त होगा स्टार्टिंग के पॉइंट से। चलो अभी क्लोज़ किया एंड अभी सामान सारा का सारा आ चुका है दोस्तों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन सभी को हम लोग सेट कर देते हैं आराम से, एंड दूसरी सेल्फ भी भर जाए ना, तब भाई अपने को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। एंड इस गेम में ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग डबल से भी ज़्यादा रेट रख सकते हैं, बट अपडेट अपडेट ना आ जाए नहीं तो भाई नुकसान हो जाएगा। चलो जब तक नहीं है तब तक हम लोग कमाई कर लेते हैं एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा यार। एंड अपने को भाई अपने घर में बेड लाना है, फ्रिज लाना है, बिस्तर लाना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है, इसलिए अपने को यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस गेम में अपने को कैसे कमाना है। एंड चलो ठीक है, इसको भी फेंक देते हैं अंदर, ये बचा भाई। चलो चलो चलो, इधर इधर रखते हैं। चलो ठीक है, ब्रेड है, अब अपने को प्राइस सेट करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार प्राइस जिस सामान का सेट कर दिए ना वही चलते रहता है, तो ये अच्छी बात है। एंड बार बार डोर नहीं खोलना पड़ रहा, सबसे अच्छी बात तो ये है। नहीं तो जितने भी हम लोगों ने इस टाइप के गेम खेले हैं ना, उन सब में भाई बार बार दरवाज़ा खोले, इधर करो उधर करो, तो ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत सही है, जैसे ही पास आओ सेंसर काम करेंगे एंड ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलो, एंड मेरे को लग नहीं रहा कि अभी अपने को यहाँ पे प्राइस सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे सामान पुराने वाले हैं। हाँ भाई ये देखो सारे सारे हैं। चलो ठीक है, शॉप ओपन करते हैं एंड देखते हैं भाई, यार ग्राहक आता है तो थोड़े बहुत सामान बेचते हैं एंड उसके बाद चलते हैं आगे। चलो ठीक है, अच्छा भाई इधर से चेक पॉइंट भी था, ये अच्छी बात है भाई, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है इस गेम को, एंड सही बात है। वो ग्राहक भाई नहीं आ रहे हैं। चलो दोस्तों यार कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग अपनी शॉप को और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, एक दो लाइसेंस खरीदेंगे एंड शॉप को थोड़ा सा और भी बड़ा करेंगे एंड अपने घर में भी थोड़े बहुत सामान वगैरह मंगाएंगे, बट उसके लिए टाइम चाहिए। तो ठीक है यार दोस्तों, आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और जय हिंद।